हाँ आ जाओ आ जाओ। एक मिनट, ये लीजिए सर। हाँ ये लो, 100 रुपए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक मिनट सर, हाँ यहाँ पर आसपास कुछ खाने के लिए मिलेगा? खाने के लिए हाँ, वो है ना सामने ढाबा, आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बहुत दयालु है सर, सर आपकी वजह से आज बहुत दिन बाद खाना मिलेगा सर। छोटू जरा। हाय। हेलो। हाय, तुम यहाँ कैसे? और माइकल का क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। अच्छा तुम यहाँ कैसे? फोन रिचार्ज करने आई थी उस शॉप पर। अच्छा जियो, तुमने उस आदमी से पेन खरीदे, उन्हें रोड भी क्रॉस करवाई, मैं समझ गई तुम मदद करना चाहते थे। ये सब तो ठीक है, पर पेन खरीद कर मदद करने की बजाय तुम यूं ही उन्हें 100 रुपए दे देते तो वो ज्यादा खुश होते ना। वो दोनों पिछले 2 दिन से भूखे थे, इसके बावजूद उन्होंने ना तो भीख मांगी ना किसी के आगे हाथ फैलाया, वो पेन बेच के ही अपने लिए खाना खरीदना चाहते थे। ऐसे में उन्हें पैसे देकर भिखारी क्यों बनाता? अच्छा एक बात और, अगर तुम्हें कभी कोई ऐसा मिल जाए तो उसका सामान खरीद कर मदद करना, समझ गई ना? चलता हूं। समंदर के पानी में नहा के। ओए रंगीला, आज बड़ा खुश लग रहा है। खुश लग रहा हूँ क्या? अबे ये टूटी फूटी लेके खुश कैसे रह सकता? चल पका मत यार, मैं जा रहा हूँ। क्या एक बार पूछेगा नहीं मेरे साथ ये क्या हादसा हुआ? हाँ जल्दी बक, मैं सुन रहा हूँ। ठीक से पूछना भी नहीं आता। ए, रुक, चल अच्छे से पूछता हूँ। आप पूछ। तेरी बॉडी पर कपड़ों से ज्यादा बैंडेज क्यों है? कितनों ने मिलके बिना साबुन के तेरी धुलाई की है? अरे तेरी बैंडेज का ठुल्लू, सीधे पूछना क्या हुआ? जल्दी बताना यार, मैं सुबह से हंसा नहीं हूँ। हंसने हंसाने के बढ़िया, मैं पिक्चर देखने गया था और उस पिक्चर में सुपरस्टार रजनीकांत सर थे, मैं उनकी तरह एक्शन वाला स्टंट करने गया तो गिर पड़ा। स्टॉप। एक बात बता, तू थिएटर में पिक्चर देखने गया था और तुझे चोट लग गई? हाँ। तू पिक्चर देखने गया था स्टंट करने? अरे सुनो तो सही, मैं थिएटर में ही स्टंट कर रहा था, लेकिन मैं रजनी सर की तरह एक्शन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनके फैंस आए और मेरी चट्टी बना दी। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा रजनी सर टेरेस से कूदे, तू भी कूद जा। फिर क्या हुआ? फिर उनके सारे फैंस मिलकर मुझे पावन माले की बिल्डिंग के टेरेस पर लेकर गए और धकेल दिया। मुंह बंद कर, यहाँ मेरी फटी हुई है, तू बत्ती से फाड़ के हंस रहा है। वही गाड़ी है, छोकरी भी वही है, मेकअप की पेटी भी वही है, ये सेम सीन है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये क्या किराया? हाय, हेलो। आज फिर से लेफ्ट लेके जा रही है, ये खजूर है, ये आदत से मजबूर है। ओ चल देवता, आई एम कमिंग अगेन। फिर से डूबने जा रही है ये सुरा, ये खुशी से खुदकुशी कर रही है। जा मुझे विधवा होने से बचाना, जाना। बेचारे खुदकुशी की मारी, क्या 2 रुपए गिर गए क्या? साले बहुत लंबा है। मैं तुझे लाइफगार्ड दिखता हूँ जो उसे बचाता हूँ। दोस्त को मारना है, गलत है, ये पाप लगे तुझे। पिछली बार उसकी जान बचाई थी तो उसने मेरी इज्जत का कचरा किया था, फिर से कचरा करवाऊं? नहीं बचाएगा तो फिर से मैं बचाऊंगा। जा जा, तू बचा, तू जा, तू जाके बचा उसे। ठीक है, मैं उसे बचाने जाऊंगा। तेरे को बचाना है, बचा। उसको बचाने के लिए आना पड़ेगा। एक मिनट, बचाने वाला जाना, उसको बचाने जाना, वो बेचारी मर जाएगी यार, वो कितनी गोरी है, समंदर के पानी में नहाएगी, वो काली हो जाएगी मेरी तरह। जाना, क्या डंडा डंडा खेल रहा है, जाना बचा, छुए बगैर बचाना। यार ये फिर से क्यों मरने जा रही है? अरे सुनो, हेलो हेलो, ए ए ए, इस बेरे दुनिया में नहीं रहना मुझे। बात सुनो, क्या हुआ तुम्हारा माइकल कहीं फिर से गायब हो गया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। हाँ। पर शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए। तो तुमने उसके सामने जाके प्यार का इजहार किया? वो तो भूली गई, अब तक नहीं किया। अरे कैसी पागल लड़की हो, जाओ जाके पहले उसे बताओ, वो मना कर दे तो जाके मर जाना। ठीक है अभी बता देती हूँ। सुरा, आई लव यू। हाँ। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या?
या तुम किसी और से प्यार करते हो? मैडम, कहीं तुम मेरी फिरकी लेने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मुझसे सिर्फ दो बार मिली हो और कहती मुझसे प्यार हो गया। कैसे समझाऊं? मैं अपने हस्बैंड में जो गुण देखना चाहती हूँ वो सारे गुण हैं तुम में। तुम्हें देख के मुझे उस छोटी बच्ची की याद आ गई जो आइसक्रीम की जिद करती है। तुम जानती नहीं हो कि मैं समझ गई। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक अमीर लड़की हूँ और तुम एक मच्छी वाले। नहीं नहीं, फिर क्या बात है? ओ, मेरे पापा की टेंशन है कि वो मानेंगे नहीं। उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पापा इज अ डमी पीस। मेरी मर्जी के खिलाफ वो कभी जाएंगे ही नहीं। देखो मैडम, असली प्रॉब्लम तुम्हें बताऊंगा ना तब भी तुम समझ नहीं पाओ, इसलिए जाओ जाओ घर जाओ। लड़की को लेकर लड़का किधर गया? समंदर पार करके झिंगा लुलू तो नहीं गया? और अकेला क्यों? रंगीला है, हीरोइन नहीं इधर है तो हीरो किधर है? मुझे तुमसे एक डील करनी है। कैसी डील? मेरे दिल में जो भी था वो मैंने तुम्हारे दोस्त से कह दिया। तो मैं क्या आचार डालूं? डाल लेना, पहले एक पता नोट करो। है? पता मतलब? नंबर 15, 9th क्रॉस स्ट्रीट, राजा रानी चौक। लेकिन ये पता किसका है? मेरे घर का एड्रेस है। आज आधी रात से पहले अगर तुम्हारे दोस्त ने मुझे आई लव यू नहीं कहा है? तो फिर मैं वो करूँगी जिसमें मैं बचपन से ही चैंपियन हूँ। खो खो या कबड्डी में? पानी में डूबकर जान देने की कोशिश से बोर हो गई हूँ मैं। इस बार मैं घर में सुसाइड करूंगी। सुसाइड करो, रॉन्ग साइड करो। लेकिन यहाँ समंदर में आके जो करके मरने का नाटक करती हो उसकी वजह तो बता। वजह है। कौन सी वजह है? अपने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ूंगी जिसमें लिखूंगी कि मेरे मरने की असली वजह तुम हो। ये एक दुंगा लगा के सब कुछ सुरा की वजह से हुआ है। चिट्ठी में सुरा का नाम लिखो, मुझे क्यों घसीट रही हो? उसको क्यों फंसाओ? इस मैटर के लिए तुमसे अच्छा बकरा और क्या मिलेगा? मुझे फंसाओगी? कान खोलकर सुन लो, मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं समंदर में जाके डूब जाऊंगा। सच्ची बोल रहा हूँ। कितना बोलते हो। हम दोनों को मिलवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगी और तुम जेल में। चिट्ठी वो भी मेरे नाम की? किसी और का कसूर हो तो भी पुलिस मुझे धोबी पछाड़ मारती है। ये तो मरने वाली चिट्ठी लिख रही है। कहाँ फंस गया रंगीला? ये मुसीबत तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं? ए सुरा, किधर है सुरा? इधर तो इंसान से ज्यादा कुत्ते हैं। घर है या चिड़ियाघर? ये चिड़ियाघर है। कुछ भी बकवास करता है, सिक्योरिटी है। चलो बस। चलना, अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाते हैं, मरती हुई लड़की को बचाते हैं ना यार। उससे पहले ये लोग हमें मार डालेंगे। चल मैं तुझे अंदर ले जाने की सेटिंग करता हूँ, भरोसा रख यार। भरोसा और तुझ पर? हाँ, भरोसा नहीं तो समोसा रख, कुछ तो रख यार। चल चल मेरे साथ। तू मुझे साथ लेकर जा रहा है या खुद भाग रहा है? भागता तो मिल्खा है, मैं क्यों भागूंगा। चल चल चल, मैं अंदर, आगे चलना। बांस की सीढ़ी, बांस से किस्मत की सारी बांस दूर हो जाती है। अपना काम हो जाएगा, जा चढ़ जा। नहीं लाइक बात। हाँ बोलना। थूकना है क्या? मुझे तुझ पे बहुत फख्र है यार। लेकिन क्यों है? एक लड़की की जान बचाने के लिए तू अपनी जान पर खेल रहा है। आज पहली बार तू अपने दोस्त को समझ पाया। जा जा चढ़ जा, जा उसकी जान बचाते। जा चढ़ ना। क्या हुआ, क्यों उतर गया? मुझे तुझ पर बहुत गर्व है यार। एक लड़की की जान बचाने के लिए। थैंक यू थैंक यू। जाना, चढ़ना, उसकी जान बचा यार, टाइम कम है। सही कह रहा है। हाँ जा, 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 चढ़ जा। अब क्या हुआ यार? मुझे तुझ पर फक्र फक्र मत कर, मुझे उसकी फिक्र हो रही है तो फक्र मत कर, ऊपर जा। यार मुझे, हाँ मुझे पता है मुझ पर फक्र हो रहा है। जा, 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 जा। दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। हाय। उसका अच्छा रंग?
तुमने तो धमकी दी थी कि अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ नहीं आया तो तुम खुदकुशी कर लोगी, और तुम तो यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो। ऐसा नहीं है, खुदकुशी करने की सारी तैयारी कर ली है मैंने। कुछ देखो तो, मेकअप भी कर लिया है। तुम्हारे पास यहाँ पर रस्सी, चाकू, जहर और ये गोलियां रखी हुई है, लेकिन इस कप में क्या रखा हुआ है? शक्कर। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे दवाई खाने से पहले थोड़ी सी शक्कर खाने की आदत है। पहले शक्कर खा लूं तो दवाई कड़वी नहीं लगती, समझे? इतना ही नहीं, खुदकुशी करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है ये जानने के लिए मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। तो फिर इतनी देर क्यों रुकी, कर लेती खुदकुशी? करने ही वाली थी कि उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया। मैंने उसे मेरी प्रॉब्लम बताई। पता है वो क्या बोली? कि आजकल लड़के ना पहले जैसे नहीं रहे, प्यार में थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। उसकी बात भी सही है, आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। फिर तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के के लिए अगर मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े तो इट्स ओके। सो सुसाइड का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया, और प्यार की मालगाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊं ये सोच रही हूँ। और ये मेरा माइकल, मेरे बिना ये कैसे जिएगा? इसीलिए इसके लिए भी सेम प्लान। मेरे होते हुए माइकल कैसे मरेगा? मेरे साथ आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया होगा वो? ये कैसी आवाज़ है? मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया। देखता हूँ क्या हुआ है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम जाओ, जाके मेरे संभव में खो जाओ। बाय। नहीं, चढ़ता हूँ मैं वो तो। मत मारो बेचारे को, क्यों मार रहे हैं आप लोग? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हूँ। ये बता, इतनी रात का यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। ठीक है ठीक है, पहले सीढ़ी को साइड में हटाओ, निकलो यहाँ से। अगली बार देखा तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? ठीक है साहब।